मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रमक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाए। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। जवाब देना पड़ेगा। नहीं नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग। मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, दो दिन रुक जाते पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं कोट अनकोट पढ़ता हूं, यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 Part 1।